हेलो एवरीवन, आप सभी को जय माता दी। तो अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि वैष्णो देवी में काफ़ी फेमस लंगर है तीसरीज, जो कि गुलशन कुमार का जो लंगर है वो उनके उनके द्वारा जो है तीसरीज के द्वारा जो है वहाँ पर लंगर चला जाता है। वहाँ पर प्रसाद वितरण, आप भोजन वगैरह कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। लंगर है, लंगर मतलब कि वहाँ पर प्रसाद मिलता है, ठीक है, खाना वगैरह मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। लंगर के अंदर का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया, लेकिन मैं अंदर लंगर में गया था। शुरू में जो है प्रसाद के रूप में आपको हलवा मिलता है, घी का हलवा रहता है। उसके बाद जो है चावल, कढ़ी, राजमा चावल, ये सब खाने में मिलता है आपको। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि लंगर का जो रास्ता है किस तरह से आप जानेंगे। पहली बार जा रहे हैं तो कहाँ पर लंगर है ये कैसे पता चलेगा। जब मैं गया था तो रात्रि हो गई थी, रात्रि में उतना पता नहीं चलता है, ठीक है, बहुत सारे दुकानदार में लाइट रहता है। लेकिन अगर दिन के समय में आप चढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पर, आप देखिए टी सीरीज का यहाँ पर एक दुकान है, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट का दुकान होता है, गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी, इनका ड्राई फ्रूट के दुकान के ठीक सामने एक मंदिर होगा। अब मंदिर के नीचे जो है यहाँ पर जो है लंगर है। बाण, आप सभी को मालूम है कि बाण गंगा वहाँ पर है, बाण गंगा के पास ही ये लंगर है। बाण गंगा के आप देखिएगा आसपास में टी सीरीज का दुकान होगा, ऊपर में मंदिर है, नीचे में इनका लंगर चलता है। आपको जो है जो पहाड़ पर आप रास्ता चढ़ते हैं उसके नीचे सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है लंगर का। वहाँ पर देखिए आगे में ही बोर्ड पे लिखा होगा लंगर का रास्ता इधर से है, तो आपको नीचे जाना होगा। नीचे में आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा गुलशन कुमार लंगर लिखा हुआ होगा दीवार पे, और वहाँ पर आप जो है वेट करके, वहाँ पर सारा पानी का व्यवस्था है, ठीक है, पीने का पानी आपको मिल जाएगा। सामने आपको जो है भवन का, पहाड़ पर भवन भी दिखेगा, और यहाँ से देख सकते हैं आप जो जो श्रद्धालु है वो लंगर के अंदर जा रहे हैं, और जिन्होंने लंगर खा लिया है, भोजन कर लिया है, वो वापस लौट रहे हैं। तो अंदर वहाँ से रास्ता है, और अंदर में आप देख सकते हैं लोग, जो लोग बैठे हुए हैं।